हे गाइज, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। गाइज, अभी दोपहर के 2:48 हो रहे हैं और आज 8 तारीख है, 8 अप्रैल। और अब कल हमारे दादा को जाना है दिखाने, तो आज ही हमें निकलना पड़ेगा। मतलब उनके जो पथरी है ना, उनका ऑपरेशन कराएंगे वो, तो वहीं जाना पड़ेगा। ईद के बाद कराएंगे, तो हमें आज पहुँचना पड़ेगा उधर। अभी 2:48 हो रहे हैं, 3:30 तक निकल जाएंगे हम यहाँ से, और फिर रात को 9-10 बजे पहुँचेंगे, सोएंगे। फिर सुबह को दिखाने भी जाना है दादा को, और उमाम को वह मैं उनकी भी बहुत कॉल आ रही हैं, कब निकलोगे कब निकलोगे। तो अभी चलते हैं, मैं पहले खाना तो बना नहीं आज, मम्मी पैकिंग में बिजी हैं, तो छोले कुलचे लेने, छोले भटूरे लेने चलते हैं अभी। गाइस, अभी हम निकल चुके हैं और साथ में ऋषि भैया भी जा रहे हैं, इनको भी सामान लेना था, तो हम एक साथ ही तीनों स्कूटी पर बैठ गए। ऋषि भैया अपनी नहीं लाए, तो हम ही बैठ गए। तो अब चलते हैं छोले भटूरे लेने, पहुँच के मिलते हैं इनसे। करा रहे हैं हम छोले भटूरे, वो पैक कर रहे हैं उधर भैया। गाइस, ये छोले भटूरे ले लिए हैं, अब चलते हैं घर। चलो जल्दी यार, लेट हो गए, वैसे ही 3:30 तक निकलना है, 3:11 तो अभी हो रहे हैं, नहाना भी है गाइस हमें। चलो जल्दी चलते हैं। गाइस, अभी ये ऋषि भैया यहाँ से कुछ ले रहे हैं, अब चलते हैं यहाँ से लेके घर। हेलो ऋषि भैया। गई थी ऋषि भैया ने वहां से 10 रुपए के डेढ़ में ले लिए थे, कह रहे थे 2 डेढ़ मिनट दे दो, आंटी ने 15 रुपए के 2 दे दिए। अब ऋषि भैया इसको वापस कराने जाएंगे थोड़ी देर में। चलो उतर तू। गई से भी हम छोले भटूरे लेके घर आ गए थे और हमने खा भी लिए थे, और सुबह खाए थे। मतलब अभी तो रात के 2:30 बज रहे हैं, अभी रात के 2:26 हो रहे हैं, और अभी हम निकल रहे हैं। बिल्कुल शबे कदर थी ना, मतलब चौथा दिन था, तो आज उसको पढ़ के अभी निकल रहे हैं हम सैसवान के लिए। तो अभी कसम, मतलब अभी मैंने उसमें पिछले व्लॉग में गाँव बोल दिया था ना, तो कॉल आया, सानी अप्पी है हमारी, उनका कॉल आया, कह रही आज तू सैसवान, तेरे को बताती हूँ, गाँव नहीं है कस्बा है। तो कस्बा में अभी हम जा रहे हैं उसमें, और ये पूरी पैकिंग हो गई। ये एक ही इतना बड़े सूटकेस है, बहुत भारी है ये, मेरे से और मुनाफ से भी नहीं उठाया जा रहा, बहुत भारी है, कम से कम 100 किलो तो हो गई। तो अभी चलेंगे थोड़ी देर में, बस 3 बजे तक निकल जाएंगे यहाँ से, और फिर कल जाना भी, मतलब कल दादा का दिखाना भी है, मतलब तो इसलिए पहुँचना पड़ेगा हमें। अभी 2 दिन है ईद में, वेडनेसडे को भी हो सकती है और थर्सडे को भी हो सकती है। तो अभी निकलते हैं, रास्ते में मिलता हूँ, मतलब नीचे ये बैग उठा के ले जाएंगे मैं और मुनाफ, तभी मिलता हूँ आपसे। गाइस, अभी ये पैकिंग वैकिंग हो गई है सब, पापा चले गए वो लेने गाड़ी, और ये सब हो गया पैक। मैं तो, मुझे बस चप्पल पहननी है, मैं रेडी हूँ, चलते हैं जल्दी से। अभी 3 बजे हैं, 3 बजे निकल रहे हैं, तो सुबह के 7:30 तक पहुँचेंगे। चलो मम्मी जल्दी चलो, पापा आने वाले होंगे, चलो चलते हैं। गाइस, अभी इस बोझ को हमने रख दिया लिफ्ट में, हम नीचे छोड़ के आते हैं इसको, आओ जल्दी तू आ जा, चलते हैं अभी इसको। बहुत भारी है ये, उठाया नहीं जा रहा, मतलब 100 किलो तो नहीं है, 50 किलो है ये, बहुत भारी है बहुत। चलते हैं अब इसको लेके, पापा गाड़ी लेके आ गए हैं नीचे। क्या क्या बैग, चुपचाप खड़े हो ना, अभी हम गली में तो आए, पापा तो आए नहीं, इधर पूरी गली खाली पड़ी है। इसको बैग को ऊपर रखते हैं, आ गए मुनाफ देखने गए। कहाँ है पापा, ये आ गए। इस कुत्ते ने डरा दिया एकदम से उठ के। अरे गाड़ी तो गंदी हो रही है, साफ नहीं करी उसने पागल ने। भाई एक साफ करने वाला आता है, हम उसको देते रहते हैं, मतलब 1 महीने के वो 800 रुपये लेता है लगता है, 700-800, और वो गाड़ी साफ नहीं करता, पापा देखते नहीं, गाड़ी साफ नहीं करता, वो ऐसे ही छोड़ के चले जाता है। अभी भी गंदी पड़ी है, देखो धुलवाएंगे चलो रास्ते में इसको, अगर सुबह सुबह शॉप खुली हुई तो। अरे पापा पीछे ही ले जा रहे हो, इसको डिग्गी को खोलते हैं। अरे ये तो यहीं से खुली नहीं थी, अंदर से खोलते हैं उसको, खोलो। ये दबाया उसको और ये खुल गई।
अकेला तो मैं रख नहीं पाऊंगा, पापा ही रखेंगे इसको। और ये साइड मेरा हमने डलवाया था और उसने पता नहीं ऐसे ही वो फिट फिट कर गया। अब इसको खोल के हम ऐसे करेंगे ना, ये ऐसे घूमता है देखो, कहीं नहीं घूम रहा, बस वो फिट कर गया और हिलता है बस, ये फिट फिट कर गया बस इसको। और ये मुनाफ भी आ चुका है यहाँ पे। गाइस अभी हम निकल चुके हैं घर से और अभी हम 3:22 हो रहे हैं अभी, और सुबह के 7 बजे तक हम पहुँच जाएंगे सहसमान तक, क्योंकि खाली रोड है 3 बजे, इसलिए ही निकलते हैं हम। सैरी का इंक खा के अब निकल गए हम, इतनी बढ़िया निकल गए, अब सीधा सुबह पहुँचेंगे 7-8 बजे, आराम से जाके फिर सोएंगे, फिर खुबह हम से मिलेंगे वहाँ पे जाके। गाइस अभी हम इधर आए हैं जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, और अभी जैसे ही हम इधर पहुँचे हैं तो स्टेडियम पहुँच गए अभी हम, तो बिल्कुल सोने ही वाला था मैं, तब देखा मैंने इसको। अभी चलते हैं, नोएडा में आ गए अभी हम, चलते हैं। 2-3 घंटे लगे जाएंगे आराम से पहुँच के, मतलब मिलता हूँ फिर आपसे। गाइस अभी हम ITU आ गए हैं और हम अक्षरधाम होते हुए निकलेंगे, मतलब अक्षरधाम के पीछे से, मतलब गाइस अभी मेरठ एक्सप्रेस वे आ चुका है, अब इस पे चढ़ गए हम। गाइस ये नवरात्रि की यात्रा निकल रही है यहाँ पे, सब देखना कैसे नाच रहे हैं। आंटी देख के आ रही है, ये देखना गाइस वो रहा अक्षरधाम टेम्पल। चढ़ चुके हैं हम यहाँ से, मेरठ 60 किलोमीटर ही है, पर हमें मेरठ नहीं जाना, हम वहाँ से मतलब टर्न लेके सिकंदराबाद से होते हुए निकलेंगे सहसवान के लिए। गाइस हम गिन्नौर चौराहे पे आ गए हैं और यहाँ पे गिन्नौर चौराहा है और इससे अभी हमें फ्रूट लेने हैं, यहाँ पे फ्रूट मिलते हैं बहुत अच्छे। रेनबो सिटी स्विमिंग पूल यहाँ पे कब खुल गया, मम्मी लो सही तो लेना था। गाइस अभी हम यहाँ पे गन्नौर से फ्रूट तो ले लिए हमने, और यहाँ से अंदर जाते हैं, हमारे भाइयों का घर आता है, हमारे मामा मामियों का। और अब अभी तो यहाँ से सीधा जाना है बिल्कुल, हमें बस आधा घंटे का रास्ता हो रहा है, फिर सीधा सहसवान समुद्र है वो मिलेगा हमें बहुत, मतलब हम बहुत दिनों के बाद जा रहे हैं सहसवान, दिनों नहीं महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 6 महीने के बाद जा रहे हैं और मिले भी नहीं किसी से, सबसे मिलेंगे जाते ही। गाइस अभी हम सहसवान में एंटर हो चुके हैं। गाइस अभी सूरज निकल चुका है, अगर हम सुबह को निकलते ना तो अभी हम उल्टी करते करते आते, अब रात को निकले हैं ठंडे मौसम में, अपना मस्त आए हैं, एक बार भी उल्टी नहीं आई मुझे, वरना मुझे उल्टी आती है धूप में बहुत बुरी। अभी ये धूप निकली है थोड़ी थोड़ी और अब हम पहुंच गए, 5 मिनट लगेंगे, 5-10 मिनट पहुंचने में बस, फिर पहुंच गए सहसवान, मतलब घर पे, सहसवान के अंदर तो होने वाले हैं सेंटर हम। गाइस अब एंटर हो चुके हैं हम सहसवान में। गाइस ये आ चुकी है पुलिस चौकी, पूरे सहसवान की फेमस है ये पुलिस। और गाइस यहाँ पे है खुबै उमाम का घर इस गली में, पर अभी वो सो रहे होंगे, ये कुत्ता पीछे पीछा कर रहे हैं हमारा। चलते हैं अब, बस थोड़ा सा और 200 मीटर, ये रही मस्जिद यहाँ पे जामा मस्जिद, और ये रही गली, ये रही, और ये रहा खाचा शीरू चाचू। गाइस अभी हम आए और अभी चाचू आ गए शीरू चाचा। गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं सहसवान और ये देखना क्या कर रहा है, ये भी अभी आया है बिल्कुल, ये भी गाड़ी लेके अभी आया है, इसके पापा, ओए भगाना, ओए इसको कौन है ये, वो ये मेरी दोस्त, अरे ये भी 2-3 महीने बाद आया है, कितना बड़ा, ओए भगाना इनको यार, ये भगा इनको, अरे कितना बड़ा हो गया, कौन है ये, डरा तो काट लेंगे भाई। गाइस यही था आज का व्लॉग, अब इसके बाद से हम कंटिन्यू करेंगे अब आगे व्लॉग। और यहाँ पे अभी 8 बजे हैं, 8 बजे सब उठ गए, दिल्ली में तो 11 बजे होते हैं तब भी सब सो रहे होते हैं।
पर अब मैं इस व्लॉग को कर देता हूँ एंड। आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।